भंडारे की तैयारी हो रही है, पूड़ियों का आटा लग चुका है और लोइयां भी बन रही हैं, जिससे कि भंडारे में फटाफट हम पूड़ियां बेलें और सर्व करें। पूड़ी के साथ यहाँ पे है आलू की सब्जी जो तैयार है और यहाँ बन रहा है गर्मा गर्म सूजी का हलवा। तो यहाँ तैयार हो गया भंडारे का मेन्यू। तो ये सब माता रानी की कृपा से हो रहा है, तो पहले उनका आशीर्वाद ले लिया जाए। तो अनंती, अब हम पूजा करने जा रहे हैं। मम्मा, ये पूजा किस लिए होती है? ये इसलिए होती है कि वहाँ पर अपन लोग खाना बना रहे हैं ना, तो भंडारे के लिए पहले, सबसे पहले ना अग्नि देवता को पूजा करते हैं। पहले हम चूल्हे की पूजा करेंगे, फिर हम वहाँ प्रसाद लेके भोग चढ़ाएंगे। अन्नपूर्णा की पूजा के बाद हमने लगा लिया है यहाँ पे भोग और इसके बाद हम जमाएंगे कन्या। तो ये है हमारी प्यारी प्यारी कन्याएं। तो बच्चों, क्या कर रहे हो? हम लोग भंडारा भंडारा कर रहे हो। एनु, आप क्या कर रहे हो? और मैं प्रसाद के लिए वेट कर रही हूँ। ओहो, और ये लो प्रसाद आ गया। पैसे तो दो, हम कन्या हैं। ले लो पैसे, ले लो। जय माता दी। आज इनका बर्थडे है। तो अभी जैसे ही पता चला तो अनाया ने बोला कि आज इनका बर्थडे, मतलब इनका है बट कल है, तो हैप्पी बर्थडे टू गांधी जी, क्योंकि ये 1 अक्टूबर पे किया हमने ये। दी देव आ गए लेट ऑफिस से और अब हम नारियल फोड़ेंगे। अभी ये डिस्कशन हो रहा है कि कौन क्या बांटेगा। मैं तो आ गई हूँ हलवे के स्टॉल में। अर्जुन बांटेगा आलू की सब्जी। तो देख ही सकते हैं कि यहाँ पे भंडारे का कार्यक्रम कितने अच्छे से हो रहा है। सब लोग लाइन से आते जा रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भंडारे में क्या होता है कि सब आते हैं, अपने दिल से आते हैं, कोई भी, सब अपनी मस्ती में है, सब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और प्रसाद में हमने आलू पूड़ी की सब्जी और हलवा रखा है और छोटे छोटे बच्चे यहाँ मज़ा ले रहे हैं। तो यहाँ पे सफाई का भी पूरा ध्यान रखा है। तो अब हम बताते हैं, हमने सफाई के लिए थोड़ा सा अलग व्यवस्था कर रखी है। पूड़ियाँ और सब्जी यहाँ से जा रही है भंडारे में डिस्ट्रीब्यूट होने के। बाप रे, भीड़ बहुत लगी है यहाँ पे। और मैंने ऐसे दिन भंडारा के जब मैं नहीं आ सकती, मेरा फास्ट है। और रूपम जी, आपको मैं कंचक खिलाऊंगी फिर। तो आज रूपम जी ने सेवा तो बहुत की है लेकिन खाली पेट, तो इनकी सच्चे दिल से सेवा हुई है। वहाँ पे एक बंदा, इन्होंने सोचा था भंडारा होगा तो इनको प्रसाद मिलेगा, ये हलवा पूरी खाएंगे। सेवा की तो इन्होंने सोची ही नहीं थी। हाँ, लेकिन सेवा की है इन्होंने, सेवा चल रहा है इनको। और बेस्ट ये था कि सबने अच्छे से खाया, कोई यहाँ गंदगी नहीं हुई है। तो चलो अब हम खाना खाएंगे। कुछ लोगों ने सेवा नहीं की है, पहले ही डका लिया है। वो इधर तो पार्टी चल रही है। तो ये देख लीजिए खाना, ये पहले ही खाने लग गए, मैंने सर्व करने आई थी भंडारा। इसे बोलते इंटरनल भंडारा। तो दिल को बहुत सुकून मिलता है ऐसे काम करके। और कैसी लगी आपको ये हमारी नवरात्रे की छोटी सी कोशिश जो हमने की थी? और जय माता दी का नाम लेके मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।